I've fallen in love with I Love. I love you. Él vole, wow. कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि हस्तिनापुर निर्णय के एक ज्वालामुखी के मुंह तक आ ही गया था और यदि कुरुवंश की मर्यादा ने ममता की जबान न पकड़ ली होती और कुंती हस्तिनापुर को ये बता देती कि लोग जिसे सूत पुत्र समझते हैं वो तो वास्तव में ज्येष्ठ कुंती पुत्र है तो ये अमर कथा न जाने किधर मुड़ जाती। परंतु कुंती बेहोश हो गई और संकट टल गया। परंतु दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बनाकर उस संकट को फिर बीच रंगभूमि में ला खड़ा किया और मैंने फिर दांतों में उंगली दबा ली। परंतु स्वयं सूर्य देव ने अस्त होकर संकट को फिर टाल दिया। पर संकट क्या सचमुच टल गया? क्योंकि ये तो संकटों की गाथा ही है और मानव जाति को संकटों का सामना करना ही तो सिखाती है। महाभारत में संकट अनेक फलों वाला एक भाला है जिसका एक न एक फल हर पात्र की छाती में उतरा हुआ है।
मैं ये भी कह सकता हूं कि उस भाले का हर पात्र स्वयं उस भाले का एक फल है, और इसलिए द्रोणाचार्य भी उस भाले का एक फल ही है। वो एक और ही अग्निकुंड में जल रहे हैं, उनके हृदय की हथेली में मान अभिमान और प्रतिशोध की फांसें चुभी हुई हैं, और उन फांसों की खटक ने उनकी रातों को लहूलुहान कर रखा है। घाव बड़ा अपमान का, तड़पे निशदिन प्राण, मनमाना प्रतिशोध ही उसका बने निदान। बचपन की बातें भूल जाओ द्रोण, बचपन तो ना समझ होता है। आज तुम भी बालपन की सारी सीमाएं पार कर चुके हो, और मैं भी। तुम्हारी समझ में सामाजिक जीवन का यह छोटा सा रहस्य भी नहीं आया कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। कृपाचार्य, आओ कृपाचार्य। प्रणाम ऋषिपुत्र। इतनी रात गए आने का कष्ट कैसे किया कृपाचार्य? अपनी और कृपी की ओर से प्रार्थना करने आया था ऋषिपुत्र। अब तो घर चलिए। अभी नहीं कृपाचार्य, अभी नहीं। परंतु क्यों ऋषिपुत्र, क्यों? मैं कृपी से यह कहकर घर से निकला था कि मैं उसके पुत्र के लिए गाय लेने जा रहा हूं। बिना गाय लिए मैं घर कैसे जाऊं? भगवान की दया से आज हमारे पास बहुत सी गायें हैं ऋषिपुत्र। परंतु वो गाय नहीं है जिसे लेने के लिए मैं घर से निकला था। तो क्या द्रुपद के पास एक गाय नहीं थी? उसके पास गाय भी थी और अपमान भी। उसने गाय तो ना दी, अपमान बहुत दिया। अपमान? हाँ, वो दृश्य आज भी मेरे सामने है। मैं अब भी देख रहा हूं, द्रुपद मेरी ओर ऐसे देख रहा था जैसे वर्ण छाती के आर पार हो जाता है। बचपन की बातें भूल जाओ द्रोण, बचपन तो ना समझ होता है। आज तुम भी बालपन की सारी सीमाएं पार कर चुके हो, और मैं भी। तुम्हारी समझ में सामाजिक जीवन का यह छोटा सा रहस्य भी नहीं आया कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। मित्रता का अधिकार जताए बिना तुम कुछ भी मांगो। तुम एक ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बचपन की बातें भूल जाओ। पर आपने वहीं पर द्रुपद को उसकी असभ्यता का दंड क्यों नहीं दे दिया ऋषिपुत्र? यदि वो कोई शत्रु होता तो अवश्य दंड देता। वो मित्र था, और मित्र होते हुए भी उसने समानता की बात उठाई थी कृपाचार्य। उसने कहा, ब्राह्मण होने के नाते दान में जो चाहे मांग लो, परंतु तुमने यह सोचा कैसे कि तुम मेरे मित्र भी हो सकते हो? मित्रता बराबर वालों में होती है, और यदि मैं उसे बराबर वाला समझता तो अवश्य दंड देता। परंतु अब दंड देने की घड़ी आ गई है। अब तुम जाओ कृपाचार्य, मेरे शिष्य आते ही होंगे। जो आज्ञा ऋषिपुत्र। घाव बड़ा अपमान का, तड़पे निश दिन प्राण, मन माना प्रतिशोध ही उसका करे निदान, उसका करे निदान।
प्रणाम गुरुदेव। गुरु दक्षिणा दिए बिना शिक्षा समाप्त नहीं होती है राजकुमारों। आज्ञा हो तो आपके चरणों में सोने चांदी के ढेर लगा दूं गुरुदेव। ब्राह्मण सोने चांदी के ढेर लेकर क्या करेगा गांधारी नंदन? गुरु दक्षिणा में हम अपने प्राण भी दे सकते हैं गुरुदेव। प्राण तो वो मांगे कुंती नंदन जिसके स्वयं प्राण ना हो। तो फिर आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई जाकर महाराज द्रुपद को युद्ध में हराए और बंदी बनाकर मेरे सामने लाए। मैं अभी जाकर उसका वध कर देता हूं गुरुदेव। मैंने वध की आज्ञा नहीं दी। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव। आज्ञापालक को सुसंस्कृत होना चाहिए। आज्ञा के आगे निकल जाना भी आज्ञा का उल्लंघन है। तो फिर हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मैं इसी समय कूच करना चाहता हूं। जाओ। मैं पांचाल नरेश द्रुपद के हाथ बांधकर खींचता हुआ यहां लाऊंगा और गुरु चरणों में डाल दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। जाओ वत्स। अर्जुन। हाँ? क्या समस्या है? कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं। क्या गुरु से रूठ गए हो? क्या एक भक्त को भगवान से और शिष्य को गुरु से रूठने का अधिकार नहीं है गुरुदेव? इन्हीं दोनों को रूठने का अधिकार है वत्स। जितना बड़ा भक्त और जितना प्रिय शिष्य होगा उसके रूठने का उतना ही अधिक अधिकार होगा। परंतु अर्जुन, तुम्हारे रूठने का कारण? आपने हमें क्यों नहीं आज्ञा दी गुरुदेव? तुम सबकी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, परंतु दुर्योधन की शिक्षा का एक अध्याय रह गया है। वो कौन सा अध्याय है गुरुवर? वो अध्याय है मान अभिमान का। अभिमान वीर पुरुष का सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु यह सीखने में गांधारी नंदन दुर्योधन को ना जाने कितने दिन लग जाएंगे, कितने वर्ष लग जाएंगे।
मैंने तो सुना था लोग पंचाल नरेश को खींचते हुए यहाँ लाकर गुरु चरणों में डालने वाले हैं। अनुज भीम, अपने भाई पर व्यंग्य के वान मत चलाओ। युद्ध में किसी न किसी को तो हारना ही पड़ता है। मैं गुरु दक्षिणा देने में असफल रहा गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। नहीं, महत्व प्रयत्न का है, सफलता या असफलता का नहीं। तुमने अपने प्रयत्न की गुरु दक्षिणा दे दी है और मैंने गुरु दक्षिणा स्वीकार भी कर ली है। अब हमारे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? तुम पांचों भाइयों से भी वही गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं। यदि ला सको तो द्रुपद को बंदी बनाकर ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। किस ध्वज की छाया में जाओगे? हस्तिनापुर का ध्वज तो हम ले जा नहीं सकते गुरुदेव। कारण? क्योंकि हस्तिनापुर का ध्वज इस युद्ध में जा नहीं सकता गुरुदेव। उसका कारण? कारण यह है गुरुदेव कि आपने हस्तिनापुर से गुरुदक्षिणा नहीं मांगी है, इसीलिए इस युद्ध में हस्तिनापुर का ध्वज ले जाने का हम में से किसी को अधिकार ही नहीं है। परंतु मुझे अधिकार था। और तुमने उस ध्वज का बड़ा मान रखा। भीमसेन, क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, मुझे मन में बात रखना नहीं आता। तब तो अच्छा ही हुआ कि तुम ज्येष्ठ कौरव पुत्र नहीं हो। परंतु युधिष्ठिर ने ठीक ही कहा है दुर्योधन, कि हस्तिनापुर के ध्वज पर ना तुम्हारा अधिकार है और ना ही युधिष्ठिर का। और युधिष्ठिर ने यह भी ठीक कहा है कि मैंने हस्तिनापुर से गुरु दक्षिणा नहीं मांगी है, इसलिए हस्तिनापुर का ध्वज क्यों जाए। आपको तो इन्हीं लोगों की हर बात ठीक लगती है गुरुदेव, परंतु चाहे ये जिस ध्वज की छाया में जाएं, जो युद्ध मैं न जीत पाया वो युद्ध ये भी कभी नहीं जीत सकते। दुर्योधन, तुम काल नहीं हो, तुम केवल एक राजकुमार हो, इसलिए भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। और ना ही तुम आकाश हो कि तुम्हारी वाणी आकाशवाणी मानी जाए। युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय रणभूमि में ही हो सकता है। विजयी हो।
केवल पांच। मैं आपको आचार्य द्रोण के नाम पर बंदी बनाता हूं। आज मैं तुम्हें अपना मित्र कह सकता हूं, परंतु तुम तो मेरे इन शिष्यों के बराबर भी नहीं निकले, फिर मेरे और तुम्हारे बीच में मित्रता कैसी? मैं तो आज भी वही ब्राह्मण हूं, फिर भी तुम मेरे मित्र हो। तुमने अपना
अब तुम राजा हो पुत्र, राजा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम क्षत्रिय हो गए हो। तुम आचार्य पुत्र हो और तुम्हारा कर्तव्य है जीवन भर सीखना, और जो कुछ सीखा हो उसे योग्य लोगों में बांटना। प्रधान शिक्षा नहीं, प्रधान योग्यता है। जिस प्रकार छोटे बर्तन में नदी नहीं उड़ेली जा सकती, उसी प्रकार सागर में बूंद देने का भी कोई अर्थ नहीं। क्या सोच रहे हो पुत्र? बहुत दिनों से एक प्रश्न में उलझा हुआ हूं, क्या जाने से पहले वो प्रश्न कर लूं? प्रश्न है किससे? पिता से या गुरु से? गुरु से। पूछो। आपने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा क्यों लिया? क्या इसलिए कि वह क्षत्रिय नहीं था? क्षत्रिय तो तुम भी नहीं हो पुत्र। परंतु मैं ब्राह्मण तो हूं। पहले मनुष्य आया या जातियां? केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। जिस दिन ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल जाएगा, ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। एकलव्य से मैंने उसका अंगूठा इसलिए नहीं लिया था कि वो ऊंची जाति का नहीं था, क्योंकि विद्या पर किसी जाति का अधिकार नहीं है और ना ही हम किसी पर विद्या का द्वार बंद कर सकते। एकलव्य से मैंने उसका अंगूठा इसलिए लिया था कि उसने विद्या ली नहीं, उसने विद्या चुराई थी, इसलिए उस विद्या पर उसका कोई अधिकार नहीं। यदि वो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय रहा होता, तब भी मैंने उसका अंगूठा मांग लिया होता। दिए बिना गुरु दक्षिणा विद्या धन ने सार, जो औरों की संपदा औरों का अधिकार, औरों का अधिकार। गांधारी। आर्य पुत्र। लौटने में इतना विलंब क्यों? भ्राता शकुनी आग्रह करने लगे कि मैं उनके साथ उनके भवन चलूं, तो उनके साथ चला गया था। उनके साथ जाने में तो कोई क्षति नहीं, परंतु ऐसा न हो आप वहां जाकर स्वयं अपने भीतर का मार्ग भूल जाए। मेरे भीतर अब है ही क्या कि वहां लौट आने को मन चाहे। मेरा हृदय तो सूखे वृक्षों का एक वन है, धूप ही धूप, तृष्णा ही तृष्णा, आशा की एक ओस भी नहीं है जिसे चाटकर मेरी अभिलाषाएं जीवित रहें। मैं मन ही मन सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि शिक्षा समापन समारोह में प्रिय दुर्योधन सर्वश्रेष्ठ निकलेगा और ये मुकुट उसके द्वारा मेरे पास लौटाएगा। परंतु आज तो मेरी आंखों में बसा हुआ अंधकार और भी गहरा हो गया है, घना हो गया। लगता है मेरे भाग्य में कोई सूर्योदय है ही नहीं। यदि कहीं मुझे मेरा भाग्य मिल जाए तो उसे मैं अपनी इन भुजाओं में जकड़कर मार डालूं। आप थक गए हैं, विश्राम कर लीजिए। और किसी के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु मैं सपने देखने से कभी थकता नहीं, क्योंकि सपनों के अतिरिक्त तो मैं कुछ और देख ही नहीं सकता ना। इसलिए जो मैं देख सकता हूं वो देख लेने दो मुझे। आर्य पुत्र, ज्येष्ठ गुरु पुत्र को ये कहना शोभा नहीं देता। ब,
मत कहो मुझे जेस गुरुपुत्र, ये अब मुझे व्यंग्य लगता है। भाग्य ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है गांधारी, तुम ही बताओ मैं न्याय मांगने कहां जाऊं? कहां? न्याय तो नारायण ही दे सकते हैं। अरे तुम तो ऐसे प्रसन्न दिखाई दे रहे हो जैसे जाने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वासुदेव, मित्रों से बिछड़ना बड़े दुख की बात है। परंतु मैं बिछड़ कहां रहा हूं? तो और बिछड़ना किसे कहते हैं? रथ खड़ा है, दाऊ जाने को व्याकुल है। बिछड़ना तो फिर भी सिद्ध नहीं हुआ। अरे इस असहाय ब्राह्मण से ठिठोली मत करो वासुदेव, मैं तो तुमसे बिछड़ने की सोच भी नहीं सकता। और तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे बिछड़ना ना हुआ, खिलवाड़ हो गया। मैं तुमसे मिलने मथुरा अवश्य आऊंगा, परंतु ऐसा ना हो तुम वहां जाके यदु राजकुमार बन जाओ और मुझे पहचान ना पाओ। ये तुमसे किसने कह दिया मित्र कि मित्रता का आधार सामाजिक समानता है? ये पूंजी तो हृदय में रखी जाती है, और हृदय चाहे किसी दीनहीन का हो चाहे किसी धनी का, समान होता है। फिर कभी अपनी दीनहीनता का प्रसंग न निकालना, न तुम दीनहीन हो न मैं राजकुमार, तुम सुदामा हो, मेरे सुदामा, मेरे मित्र, और मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हारा मित्र। सुदामा, ये मित्रता ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है। कृष्ण सुदामा कृष्ण। बड़ी प्रीत है मीत की, बड़ा प्राण से मीत, जो जीते मन मीत का जग लेता वह जीत, जग लेता वह जीत। सुदामा तुम मथुरा ना आना। क्यों? क्योंकि मथुरा में मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, परंतु तुमसे मिलना तो अवश्य पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे ऋणी हो। ऋणी? हाँ। कैसे? याद करो वो रात जो हमने साथ साथ अलग अलग पेड़ों पर काटी थी, और तुम मेरा सारा खाना भी खा गए थे, याद आया ना? तो भैया वो ऋण तो मैं छोड़ नहीं सकता, और इसके लिए एक बार तो तुमसे अवश्य मिलना पड़ेगा। तुम भी कब कब की बातें याद रखते हो, मैं तो ये घटना भूल चुका था। यही तो देनदार की पहचान है, तुम्हें ऋण देना था तुम भूल गए, परंतु मुझे तो ऋण लेना है, भला मैं कैसे भूल सकता हूं। अरे काना, चलना है कि नहीं? रथ कब से खड़ा है? चलते हैं दाऊ, परंतु इतनी शीघ्रता क्यों? पल तो पल और ठहर जाइए ना। पर क्यों ठहर जाऊं? तुम कोई एक ही कारण बता दो। एक कारण तो यही है दाऊ कि अब हमें इस आश्रम के दर्शन नहीं होने वाले। यह आश्रम शुद्ध संस्कृति का द्वीप है। अब सांस लेने के लिए इतनी शुद्ध वायु मिलना भी कठिन है दाऊ, तो दो चार लंबी लंबी सांसें आप भी ले लीजिए। और वैसे मैं किसी की प्रतीक्षा भी कर रहा हूं। किसकी प्रतीक्षा? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सुदामा। आज्ञा गुरुदेव। जाकर गुरुमाता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव,
मैं यहां स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तुमने बुलाया है। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे हैं। लो संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव, अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। कंस वध किया तुमने और भुगत रही है मथुरा नगरी। जो आज्ञा। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। सीख हम बीते युगों से, नए युग का करे स्वागत। तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब श्री कृष्ण से मथुरा के बिछड़ने की घड़ी पास आ गई है, इसलिए उनके साथ मथुरा चलना आवश्यक है, क्योंकि ये तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ये कथा भरतवंशियों के आपस के युद्ध की कथा नहीं है। ये अंधेरे से उजाले और असत्य से सत्य के जूझने की कथा है। एक ओर श्री कृष्ण है, सत्य और उजाले की जड़ भी और वृक्ष भी, और दूसरी ओर हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र हैं, असत्य और अंधकार की जड़, और दुर्योधन है उस जड़ का परिणाम, असत्य और अंधकार का वृक्ष। तो वास्तव में ये श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के टकराव की कहानी है, और इसीलिए इस कथा को बार बार श्री कृष्ण की ओर मुड़ते ही रहना चाहिए। तो फिर याद कीजिए वो घड़ी जब परशुराम जी श्री कृष्ण के बुलावे पर ऋषि सांदीपनि के आश्रम में पधारे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सुदामा। आज्ञा गुरुदेव। जाकर गुरुमाता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है, और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे हैं। लो संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खा ली, मुरली बहुत बजाई, लीलाएं बहुत करनी वासुदेव। अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। जो आपके पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। कंस वध किया तुमने और भुगत रही है मथुरा नगरी।
कृष्ण बलराम की जय। कृष्ण बलराम की जय। कृष्ण बलराम की जय। कृष्ण बलराम की जय। यदि कृष्ण और बलराम ठीक समय पर ना गए होते तो मथुरा की पराजय आज निश्चित थी। तो मथुरा पर इन दोनों का एक और ऋण चाह गया। क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु मातृभूमि कभी ऋणी नहीं होती। और यदि कोई ये सोचे कि उसने या उसके परिवार ने मातृभूमि पर कोई उपकार किया है तो ये उसकी भूल है। मैंने जो किया वही मेरा कर्तव्य था, और आज के पश्चात भी मैं जो करूंगा वो केवल अपने कर्तव्य पालन ही के लिए करूंगा। विजय के इस क्षण में मैं ये कहना चाहता हूं कि मगध नरेश जरासंध फिर आक्रमण करेंगे। तो इसमें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? यदुवंशियों को यूं मगध नरेश से घबराना शोभा नहीं देता। मैं बलराम से सहमत हूं महाराज। फिर भी हमें कृष्ण की बात तो सुननी ही चाहिए। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये देवकी का आठवां पुत्र है, जो मथुरा को ही नहीं बल्कि पूरी ब्रजभूमि को कंस से मुक्त दिलाने के लिए आया है। परंतु मथुरा तो कंस से मुक्त हो गई है महाराज। तो ये जरासंध क्या है और ये बार बार मथुरा पर आक्रमण क्यों कर रहा है? अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है महाराज। मैं पिताश्री से सहमत हूं महाराज। यदि वो युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है पिताश्री, तो जरासंध को आने दीजिए। इस बार वो युद्ध समाप्त ही कर देते हैं। वीर पुरुष को युद्ध के लिए इतना उतावला नहीं होना चाहिए दाऊ। बलबीर की तो पहचान ही वो है कि वो आवश्यक और अनावश्यक युद्ध का अंतर समझ सकता है। अनावश्यक युद्ध तो केवल अभिमानी करते हैं। तो क्या हम मगन नरेश जरासंध के पास ये प्रार्थना लेकर जाएं पुत्र, कि युद्ध में हमारे हाथों पर आ जाए तो अवश्य हुई, परंतु हम पर दया करो, हम लड़ना नहीं चाहते। यदि ये कहने से युद्ध टल जाए तो ये कहने में भी क्षति नहीं है पिताश्री। ये तुम क्या कह रहे हो वासुदेव कृष्ण? क्या हम यदुवंशी उस जरासंध के आगे घुटने टेक दें? नहीं, घुटने तो केवल कायर टेकते हैं। तो ये मैं कैसे कह सकता हूं? अपनी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ना तो हमारा कर्तव्य है। तो तुम कह क्या रहे हो? कभी तो दो बोल सीधे बोल लिया करो। मेरा प्रस्ताव यह है कि हम यदुवंशियों को मथुरा छोड़ देनी चाहिए। हम मथुरा नहीं छोड़ेंगे। क्रोध की कटार क्रोधी की बुद्धि को काट सकती है, तो कोई ऐसे शस्त्र का उपयोग ही क्यों करे? बातें न बनाओ कृष्ण। तुम यही कह रहे हो ना कि जरासंध से डरकर हम घर भी छोड़ दें और रण भी? परंतु इतिहास तो इसे कायरता कहेगा। ये कहकर नंदगांव के माखन का अपमान तो मत करो कृष्ण। ये कहकर मैं नंदगांव के माखन का अपमान नहीं कर रहा हूं दाऊ, उसकी रक्षा कर रहा हूं। मगध नरेश की लड़ाई तो मुझसे है ना, कि मैंने मामा कंस का वध किया, उनकी दो पुत्रियां तो मेरे कारण विधवा हुई हैं, तो मगध नरेश के क्रोध की अग्नि में मथुरा क्यों जले? हां तो तुम अकेले ही उनके लिए बहुत हो। प्रश्न ये नहीं है दाऊ, परंतु युद्ध केवल तभी होना चाहिए जब दूसरे सारे मार्ग बंद हो चुके हों। परंतु जरासंध ने कौन सा मार्ग खुला छोड़ा है पुत्र? एक मार्ग है पिताश्री, मथुरा को युद्ध की अग्नि से बचाने का एक मार्ग अब भी खुला है। कौन सा मार्ग खुला है वत्स? मथुरा से कहीं और चले जाने का मार्ग महाराज। मथुरा में हमारे रहने का युग समाप्त हो गया है। नए युग के स्वागत के लिए हमें एक द्वारिका बनानी चाहिए, चारों ओर से सुरक्षित द्वारिका। ये क्यों नहीं कहते कि रण छोड़ने का प्रस्ताव रख रहे हो? यदि तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें रणछोड़श्री कहने लगेंगे पुत्र। जिस मथुरा, जिस व्रज भूमि को स्वयं मैंने कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है, उसे मगध नरेश जरासंध के बदले की भावना से बचाने के लिए मुझे यह भी स्वीकार है कि लोग मुझे रणछोड़ कहें।
नामों में क्या धरा है? नाम तो पुकारने का एक साधन है, और बस लोग मुझे चाहे जिस नाम से पुकारें, परंतु जब मुझे ऐसा लगेगा कि पुकारने वाला मुझे पुकार रहा है, तब मैं अवश्य बोलूंगा और रहूंगा मैं वही जो मैं हूं। मैं तो फिर भी कहूंगा कि सुदर्शन चक्र निकालो। और हर गर्दन सुदर्शन चक्र के योग्य नहीं है दाऊ। यदि वंशियों को अपने अभिमान से प्यार है तो हम यही रहेंगे, और यदि उन्हें अपनी व्रज भूमि से प्यार है तो हमें स्वदेश त्याग करना ही पड़ेगा। कहना मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया, अब निर्णय लेना महाराज का कर्तव्य है। मैं वासुदेव कृष्ण से सहमत हूं। मुझे पता था कि सब कृष्ण से ही सहमत हो जाएंगे, परंतु इस द्वारिका का निर्माण कौन करेगा? इस द्वारिका का निर्माण करेंगे विश्वकर्मा जी। मैं महाराज उग्रसेन की ओर से आपका स्वागत करता हूं विश्वकर्मा जी। आपने यहां आने का जो कष्ट उठाया, उसके लिए मथुरा नगरी सदैव आपकी आभारी रहेगी। आप तो मुझे ये बताइए वासुदेव कि आपने मुझे बुलाया क्यों है? देव शिल्पी को कोई क्यों आमंत्रित करता है? महाराज चाहते हैं कि यदुवंशियों के लिए आप सागर से घिरी हुई एक नगरी का निर्माण करें। यदि उस नवीन नगरी का नाम द्वारिका होने वाला है तो उसका योजना चित्र मेरे पास है, ये देखिए। महाराज, योजना चित्र तो अनुपम है, क्यों दाऊ? निर्णय लेने के पश्चात दाऊ से मत पूछा करो। आपकी ये नगरी तो हमें भा गई विश्वकर्मा जी, आप अपना कार्य आरंभ करें। देवताओं की नगरी तो मेरी सीमाओं के पार है, वहां का एक पल शायद मेरे एक बरस से भी बड़ा होता हो, क्योंकि विश्वकर्मा को द्वारिका के निर्माण में देर नहीं लगी। तो द्वारिका यदुवंशियों से बस गई, व्रजभूमि से बहुत दूर, लेकिन व्रजभूमि ही के एक टुकड़े सी, और चारों ओर से सुरक्षित भी। जिधर देखो उधर सागर ही सागर, हर तरफ सुख चैन और शांति के फव्वारे से छूटते हुए। अब तो तुम भी ये मानोगे बलराम कि कृष्ण का निर्णय ठीक था। अनुज का निर्णय तो सदैव ही ठीक होता है महाराज, फिर भी मुझे रणछोड़ कहलाना अच्छा नहीं लगता। मैं नाम देखूं या परिणाम महाराज, आज चारों ओर शांति है, और जहां शांति होती है वहीं प्रगति होती है, वहीं उन्नति होती है। प्रणाम महाराज। हस्तिनापुर से कब आए शेन कुमार सात्यकी? कल महाराज सायंकाल। हस्तिनापुर के क्या समाचार हैं सात्यकी? वैसे तो सब कुशल चल रहा है वासुदेव कृष्ण, परंतु जीवन धारा के तल के नीचे धाराएं धाराओं से टकरा रही हैं। परंतु ऐसा क्यों सात्यकी? भरतवंशी परंपरा कहती है कि राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज होना चाहिए, जन समुदाय भी यही चाहता है। तो उसमें रुकावट क्या है? हस्तिनापुर के राज सिंहासन और महाराज धृतराष्ट्र के हृदय में खींचातानी चल रही है। सिंहासन कहता है कि उसे युधिष्ठिर चाहिए, और
महाराज का हृदय कहता है कि युवराज के स्थान पर केवल राजकुमार दुर्योधन का ही अधिकार है, क्योंकि वे ज्येष्ठ कुरुपुत्र धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। गंगा पुत्र भीष्म क्यों नहीं हस्तक्षेप करते? इस समस्या में वो विवश है महाराज, वो निर्णय ले ही नहीं सकते। तो द्रोणाचार्य बोले, कृपाचार्य बोले, वे सब क्यों मौन है? हाँ हाँ, वे सब क्यों मौन है? वे सब के सब विवश हैं। यदि किसी राज्य में अवस्थाएं योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति को विवश बना दें, तो समझ लेना चाहिए कि संकट उस राज्य के आसपास ही है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि हस्तिनापुर को उसका युवराज देने में यह विलंब क्यों? यह तो कोई साधारण समस्या नहीं है ताजश्री। मैंने ये प्रश्न महाराज से किया था गंधार कुमार। मैंने भी ये उत्तर महाराज की ओर से ही दिया था ताची। क्या स्वयं महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते? आपके प्रति उनकी श्रद्धा ही उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। और आप ये भी भूल रहे हैं कि आपको आप ही के वचन की एक डोरी ने हस्तिनापुर राज सिंहासन से बांध रखा है ताची। परिणाम ये कि आप केवल हस्तिनापुर नरेश का साथ दे सकते हैं, उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते। मुझे दिए हुए अपने सारे वचन याद है गंधार कुमार, और मुझे यह भी याद है कि मैंने कौन सा वचन किसे दिया था। मुझे आपके निष्ठा के विषय में यह ज्ञान तो नहीं कि वो किसके प्रति है, परंतु मेरी निष्ठा हस्तिनापुर राज्य और राज्य सिंहासन के प्रति है, और मुझे अटल विश्वास है कि महाराज को मेरी निष्ठा पर पूरा भरोसा है। आप ये क्या कह रहे हैं ताजी? आप आदेश दीजिए। आदेश देना मेरा कर्म नहीं। तुम हस्तिनापुर नरेश और उसे एक योग्य युवराज देना तुम्हारा कर्तव्य है, और यह निर्णय लेते समय इस बात को ध्यान में रखना पुत्र कि राजनीति का आधार पुत्र कल्याण नहीं जन कल्याण है। और यह भी समझ लो कि जन समुदाय की वाणी को न सुनने का परिणाम भी बुरा होता है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी अभिरुचि जन समुदाय की अभिरुचि से टकरा जाए। फिर भी यह निर्णय लेना तुम्हारा काम है कि हस्तिनापुर का युवराज कौन हो। भ्राता शकुनी, क्या ताजश्री ये बता गए कि हमने यदि दुर्योधन को युवराज बनाया तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा? वो ये बता नहीं गए, वो ये कह गए हैं, वो ये धमकी दे गए हैं महाराज। तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा, तुम्हारी ये बात मैं मान ही नहीं सकता। ताजश्री तो धमकी देना जानते ही नहीं। उन्होंने तो हमें ये शिक्षा दी कि धमकी देना कायरों का काम है, और ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र इतना तो देख ही सकता है कि वो कायर नहीं। इसलिए यदि वो ये कह गए कि विद्रोह का डर है, तो मान लो कि विद्रोह का डर है, और अपने गुप्तचरों द्वारा ये पता चलाओ कि इस डर की जड़ें कितनी गहरी हैं। जो आज्ञा महाराज। पर भैया, हमने तो ये सुना है कि महाराज पर बहुत बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि दुर्योधन को युवराज बनाया जाए। परंतु ये दबाव कौन डाल रहा है भैया? ये अवश्य ही हस्तिनापुर का कोई शत्रु है, नहीं तो महाराज कुमार युधिष्ठिर के होते हुए भला कुमार दुर्योधन को युवराज कौन बनाएगा? अरे उनकी हथेली में छेद है, वो अपने हाथ से आशीर्वाद जिसे भी देते हैं उसकी झोली भर जाती है, तो कुमार दुर्योधन कैसे युवराज बनेंगे? यदि महाराज ने ऐसा किया तो विद्रोह हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो भैया। राजपाट के कार्यों में बोलने वाले हम कौन? राज उनका, युवराज उनका। आपसे ये किसने कह दिया भैया? ना राज उनका है ना युवराज। राज कोई चारपाई नहीं है कि बिछाई और बैठ गए, सर्वभूमि गोपाल की है भैया, और युवराज हम लोगों का है, हम लोगों के लिए है। महाराज कौन होते हैं किसी को युवराज बनाने वाले? यदि वो ऐसा करेंगे तब तो बड़े अन्याय की बात हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो भैया। तुमने
ये क्या हो रहा है? सुन रहे हैं कि महाराज को निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है कि युवराज किसको बनाया जाए। एक हाथ पर अनुज के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर और दूसरे हाथ पर स्वयं के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन। इसमें विचारने की क्या बात है? क्यों? अरे भैया, ये तो हम साधारण लोगों को भी पता है कि युवराज होने के योग्य केवल राजकुमार युधिष्ठिर ही हैं। वो ज्येष्ठ पांडु पुत्र ही नहीं, ज्येष्ठ कुरु पुत्र भी हैं और योग्य तो हैं ही। यदि महाराज के स्थान पर हम होते तो तुरंत ही राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज नियुक्त करते। पर भैया, राजकुमार दुर्योधन भी हर दृष्टि से योग्य हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। अब अच्छा, हम चलते हैं जयराम जी की। चले आते हैं लोग राजकुमार दुर्योधन को युवराज बनाने के लिए, ना कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं। चलो पंडित जी, चलो। हाँ, चलो। पांच और दो सात। गंधार कुमार की जय हो। आ जाओ। क्या शुभ समाचार लाए? बोलो। परंतु समाचार तो शुभ नहीं है। समाचार शुभ नहीं? जा सकते हो। देख लिया। आठ। समय नहीं है वत्स दुर्योधन। उठो दुर्योधन, जागो दुर्योधन। दुर्योधन मनुजी, आप इस समय इतनी गहरी नींद ना सोया करो वत्स कि सर के ऊपर का आकाश और पांव के नीचे की धरती के सरक जाने का पता ही ना चले। क्या कोई दुर्घटना हो गई है? हुई तो नहीं, परंतु होने वाली अवश्य है। तुम्हारे पिताश्री के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो कुंती पुत्र युधिष्ठिर को ही युवराज नियुक्त करें। असंभव। नहीं, पिताश्री मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते। वत्स दुर्योधन, तुम यहाँ चैन की नींद सोते रहोगे और जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो देखोगे कि हस्तिनापुर का राज मुकुट गंगा पुत्र भीष्म के प्रिय युधिष्ठिर के सर की शोभा बढ़ा रहा है। तो मैं करूं क्या? अपने सोते हुए पिताश्री को जगाओ और उनसे अपने अधिकार मांगो। दुर्योधन, उनसे अपने अधिकार मांगो। ये अधिकार तुम्हें लेने ही पड़ेंगे भांजे। छीन लो इन अधिकार। हाँ, छीन लो। पिताश्री, पिताश्री। वत्स, क्या बात है पुत्र? मैं भी यही पूछने आया हूँ कि बात क्या है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि पिताश्री भ्राता युधिष्ठिर को युवराज नियुक्त करने वाले हैं और वो भी किसी दबाव में आकर? वो कौन है जो हस्तिनापुर नरेश पर दबाव डाल सकता है? इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। उत्तेजित होने की बात है पिताश्री? क्या यह जानकर भी नरेश के ज्येष्ठ पुत्र को उत्तेजित नहीं होना चाहिए कि स्वयं उसका पिता उसका अधिकार किसी दूसरे को देने जा रहा है? नरेश का ज्येष्ठ पुत्र मैं और युवराज नियुक्त हो गई, और ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता। भरत वंशियों में केवल ज्येष्ठ पुत्र होना पर्याप्त नहीं पुत्र, स्वयं महाराज भरत ने भी। सम्राट भरत की बात मत कीजिए मातेश्वरी, वो तो शताब्दियों पुरानी बात है। यदि समय पीछे मुड़कर देखता रहेगा तब तो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस राज सिंहासन पर पिताश्री का अधिकार था, वो तो विदुर ने नीति के वाण मारकर पिताश्री के अधिकार को घायल कर दिया। नेत्रहीन पिताश्री है माताश्री, मैं नेत्रहीन नहीं हूं और मैं
विचित्र वीर्य के ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं और इस नाते हस्तिनापुर के राज मुकुट पर सबसे पहला अधिकार मेरा है और किसी अन्य का युवराज नियुक्त होना मेरा अपमान है और आपने अपने इस बेटे को अपमान सहन करना नहीं सिखाया है। राजनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है पुत्र कि क्रोध को अपने पास नहीं आने देना चाहिए क्योंकि क्रोध तो आंखों वालों को भी अंधा बना देता है। मैं भी क्या भाग्य लेकर आया हूं, पिता श्री चंद से नेत्रहीन, माता श्री कर्म से नेत्रहीन और मैं अपमान से। यदि आप दोनों मेरे अधिकारों की हत्या करने के पश्चात सो सकते हैं तो सो जाइए, परंतु याद रहे कि राजनीति का यह खेल यहीं पर समाप्त नहीं होगा। पुत्र, अरे पुत्र, मेरा हाथ थाम लीजिए। आज मुझे डर लग रहा है, लगता है हम दोनों के स्नेह ने दुर्योधन को बिगाड़ दिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने जो प्रश्न किया वो प्रश्न तो ठीक ही था। यदि मैं नेत्रहीन ना रहा होता तो अनुज पांडु को यह राज सिंहासन क्यों मिला होता? मेरे नेत्रहीन होने का दंड मेरा पुत्र क्यों भुगते? देखता हूं विदुर का नीति ज्ञान इस प्रश्न का क्या उत्तर देता है। विदुर की नीति से मत घबराइए, अपने ताजी की ओर देखिए, वे किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। प्रणाम माते। आयुष्मान भव, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो पुत्र? मुझे यहाँ से कब मुक्ति मिलेगी माते? जब तुम देखो कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन चहुओं से सुरक्षित है। तुम्हारे कंधे बहुत शक्तिशाली हैं पुत्र, अपनी प्रतिज्ञा का बोझ उठाकर जीते रहो। पांडु के राजा बनने के पश्चात मैंने ये सोचा था कि हस्तिनापुर अब चहुओं से सुरक्षित है, परंतु तुम विधाता तो नहीं हो ना पुत्र? ये पृथ्वी तुम्हारी कर्म भूमि है, अपने कर्म अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहो। जहां तक तुम मार जाए वहां तक चलते रहो। ये मार्ग तो मेरा अपना ही चुना हुआ है माते, अपने लिए स्वयं मैंने ही तो इस मार्ग को चुना है। परंतु जिसे माता पिता का स्नेह एक साथ प्राप्त न हुआ हो वो थोड़ा सा लालची हो जाता है, स्नेह का लालची। तो जब मुझे स्नेह की आवश्यकता हो तो आपके अतिरिक्त मैं और कहां जाऊं? आपके दर्शन पाते ही मेरे इस विश्वास को कि मैं पृथ्वी पर अकेला नहीं हूं थोड़ा सा बल मिल जाता है। कल का दिन हस्तिनापुर पर बहुत भारी है माते, इसलिए आपके पास थोड़ा सा ममता का प्रसाद लेने चला आया हूं। कल पिता और राजा, न्याय और अन्याय के संघर्ष का दिन है माते, और मैं इसमें अन्याय का साथ देने के लिए विवश हूं, क्योंकि आज हस्तिनापुर का राज मुकुट अन्याय के सर पर रखा हुआ है माते। आप विधाता से कहें कि वो मेरे हस्तिनापुर के चंद्रमा के इस ग्रहण को काट दे। होनी टल नहीं सकती पुत्र, वो तो होकर ही रहेगी। परंतु माते, आ, 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 आ,
पिताश्री, आप कुरुवंश में सबसे ज्येष्ठ हैं। आप ही बताएं कि दुर्योधन के इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं। दुर्योधन के प्रश्न का संबंध कुरुवंश से नहीं है महाराज, राजनीति और हस्तिनापुर के कल्याण से है। इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं महाराज ही को देना होगा। दुर्योधन का प्रश्न तो यही है ना कि यदि आप नेत्रहीन ना होते तो इस सिंहासन पर विराजमान होते, अर्थात इस सिंहासन पर आप ही का अधिकार है, तो फिर वो आपकी नेत्रहीनता का दंड क्यों भुगते? हां, और मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, और मुझे उसकी ये बात अनुचित भी नहीं लग रही है। आपकी समस्या यही है राजन, कि आपको राजकुमार दुर्योधन का प्रश्न उचित लग रहा है। तो क्या मेरे वत्स दुर्योधन का प्रश्न अनुचित है कुलगुरु? क्या यही सत्य नहीं है कि यह समस्या इसीलिए खड़ी हुई है कि वो इस नेत्रहीन धृतराष्ट्र का पुत्र है? अनुज पांडु के पुत्र भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने स्वयं मुझे अपने पुत्र। मैं ये नहीं चाहता कि यदि सिंहासन पर प्रिय युधिष्ठिर का अधिकार है तो वो अधिकार उसे ना मिले और उसका अधिकार छीनकर दुर्योधन को दे दिया जाए। परंतु मैं ये भी नहीं चाहता कि दुर्योधन का अधिकार छीनकर युधिष्ठिर को दे दिया जाए। इसी कारण यह प्रश्न मैंने आप सबके सामने रखा है। आप लोग जो निर्णय लेंगे वही मेरा निर्णय होगा। आपका क्या विचार है आचार्य द्रोण? दोनों ही आपके शिष्य हैं। आप ये ना सोचिए राजन कि मैं उत्तर देने से कतरा रहा हूं, परंतु जैसा अभी अभी आपने कहा है कि दोनों ही मेरे शिष्य हैं, इसलिए दोनों ही मुझे प्रिय हैं। परंतु सब ये जानते हैं कि अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, इसलिए यदि मैं कहूं कि युधिष्ठिर को युवराज होना चाहिए तो हो सकता है मेरा प्रिय शिष्य दुर्योधन ये सोचे कि अर्जुन का मैं पक्ष ले रहा हूं। अर्थात युवराज वत् युधिष्ठिर को ही होना चाहिए। यदि कुंती पुत्र युधिष्ठिर को युवराज न बनाया गया महाराज तो विद्रोह हो जाएगा और मैं स्वयं भी विद्रोहियों का साथ दूंगा। यदि विद्रोह के डर से राजा अन्याय करने पर उतराए सेनापति तो न वो राजा है और न राजा बनने के योग्य है। राजा को न्याय करना चाहिए और केवल राज्य कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। राज्य कल्याण को ध्यान में रखते हुए हम भी सेनापति के विचार से सहमत हैं गंगा पुत्र। कहीं आप लोग हस्तिनापुर नरेश को धमकी तो नहीं दे रहे हैं? यह न भूलिए कि आप लोगों और हस्तिनापुर नरेश के बीच गंगा पुत्र भीष्म खड़ा है। राजश्री के होते हुए हस्तिनापुर नरेश को धमकी देना तो बहुत दूर, उनकी ओर कोई टेढ़ी आंख से भी नहीं देख सकता। परंतु महाराज, दुर्योधन का प्रश्न ही निराधार है। वो कैसे विदु? पुत्र केवल पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है महाराज, और हस्तिनापुर आपकी संपत्ति नहीं है। यदि युधिष्ठिर भी योग्य न हो तो सिंहासन पर उनका अधिकार केवल इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता कि वो स्वर्गीय महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप तो प्रतिनिधि भी नहीं है महाराज, आप तो प्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं। यदि राज्य पर पुत्र का अधिकार भी हो तो भी यह अधिकार युधिष्ठिर को ही जाता है। तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम भी यही चाहते हो कि युवराज युधिष्ठिर ही को बनाया जाए? जब मेरे ये कहने का समय आएगा महाराज तो मैं अवश्य ये भी कहूंगा। परंतु कल की खुली राज्यसभा में मैं लोगों से क्या कहूं? समय जब कोई प्रश्न करता है महाराज तो वो उसका उत्तर ही सामने रख देता है। कल समय आपसे भी प्रश्न करेगा और वो उसका उत्तर भी सामने रखेगा, परंतु उसके बताए हुए उत्तर को मानने न मानने का संपूर्ण अधिकार स्वयं आप ही को। कल की प्रतीक्षा कीजिए महाराज। सत्यवती
स्वार्थ और अधिकार के बीच रखी तलवार काट फेंकती है किसे देखे उसकी धार सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत के बीच रखी तलवार। प्रश्न यह है कि यह तलवार किसे काटेगी, इसलिए यह घड़ी इस तलवार के लिए परीक्षा की घड़ी है। महाभारत की अमर कथा में यह पहले गंभीर संकट की घड़ी है। युवराज पद के चुनाव का यह तनाव कुरुक्षेत्र का अंकुर है। जन समुदाय चाहता है कि युधिष्ठिर युवराज हों। कुल गुरु ने भी यही कहा, द्रोणाचार्य की भी यही राय है। परंतु पिता का मन
फिर भी नहीं मानता। निधिपति के प्रतिनिधि का प्रतिनिधि धृतराष्ट्र फिर भी वही सोच रहा है कि शायद कोई रास्ता निकल आए, और वो मुकुट जो स्वयं उसे नहीं मिला उसके पुत्र दुर्योधन को मिल जाए। किंतु धृतराष्ट्र राजनीति जानता है और उसे अपने मन की बात छिपाने की कला आती है। वो तो गांधारी से भी ये नहीं कहेगा कि वो युधिष्ठिर का अधिकार छीनकर दुर्योधन को देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि राजनीति का पांसा पूरी तरह शकुनी जैसे चतुर खिलाड़ी के बस में भी नहीं है। तो वो ये खिड़की खुली रखना चाहता है कि यदि निर्णय युधिष्ठिर के पक्ष में जाए तो वो अपनी बाहें फैलाकर ज्येष्ठ पांडु पुत्र को अपने कलेजे से लगा ले कि सारी हस्तिनापुर नगरी ये देख ले कि वो निरपेक्ष है। परंतु दुर्योधन राजनीति नहीं जानता, वो तो अपनी अभिलाषा और अपने अभिमान के प्याले में पड़ने वाली चंद्रमा की परछाई को चंद्रमा ही मानकर उस पर अपने अधिकार को सिद्ध समझता है। और अब जब उसे वो प्याला ही छिनता दिखाई दे रहा है तो उसके सीने में क्रोध का एक नरक दहक उठा है, और इस नरक की आग को हवा देने के लिए शकुनी जैसे मामा के साथ साथ कर्ण जैसा मित्र भी पास ही खड़ा है। पता नहीं वो लोग क्या निर्णय ले रहे होंगे और कल उसका क्या परिणाम निकलेगा। कल की प्रतीक्षा किसी वीर को शोभा नहीं देती। वीर तो समय की चट्टान को काट कर कल की मूर्ति बना लेते हैं। वहां जो निर्णय लिया जाएगा वो नहीं होगा मित्र, यहां जो निर्णय लिया जाएगा वो होगा। तुम्हारा यही प्रसंग तो मुझे प्रसन्न किए रहता है कर्ण, अन्यथा हस्तिनापुर तो केवल लटके हुए मुकुटों का एक वन होकर रह गया है। वहां जाओ तो गांधारी चिंतित, जीजाश्री चिंतित, यहां आओ तो वत्स दुर्योधन का मुंह लटका हुआ है, दुशासन की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। तुम ही एक साहसी हो वत्स, हार जाते हो परंतु हार नहीं मानते, उठ खड़े रहते हो और जूझने को तैयार। पुत्र दुर्योधन, विधाता ने ना जाने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा, तुम्हारा ये मामा भी भाग्य लिपि जानता है, और जब तक तुम्हारा ये मामा जी रहा है तब तक तुम्हारे सिर से हस्तिनापुर का राज मुकुट कोई नहीं छीन सकता, ना तुम्हारे पिता में और ना विधाता। परंतु मामा श्री, यदि पिताश्री ने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को युवराज बना ही दिया तब क्या होगा? यदि वो बनाना जानते हैं प्रिय दुशासन तो तुम्हारा ये मामा बिगाड़ना भी जानता है। हा! दुर्योधन के प्रश्न का संबंध कुरुवंश से नहीं है महाराज, राजनीति और हस्तिनापुर के कल्याण से। इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं महाराज ही को देना होगा। दुर्योधन का प्रश्न तो यही है ना कि यदि आप नेत्रहीन ना होते तो इस सिंहासन पर विराजमान होते, अर्थात इस सिंहासन पर आप ही का अधिकार है, तो फिर वो आपकी नेत्रहीनता का दंड क्यों भुगते? आपकी समस्या यही है राजन कि आपको राजकुमार दुर्योधन का प्रश्न उचित लग रहा है। आप ये ना सोचिए राजन
कि मैं उत्तर देने से कतरा रहा हूं, परंतु जैसा अभी अभी आपने कहा है कि दोनों ही मेरे शिष्य हैं, इसलिए दोनों ही मुझे प्रिय हैं। परंतु सब ये जानते हैं कि अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, इसलिए यदि मैं कहूं कि युधिष्ठिर को युवराज होना चाहिए तो हो सकता है मेरा प्रिय शिष्य दुर्योधन ये सोचे कि अर्जुन का मैं पक्ष ले रहा हूं। यदि कुंती पुत्र युधिष्ठिर को युवराज न बनाया गया महाराज तो विद्रोह हो जाएगा और मैं स्वयं भी विद्रोहियों का साथ दूंगा। राजा को न्याय करना चाहिए और केवल राज्य कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। पुत्र केवल पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है महाराज। पुत्र शत्रु है न्याय का, मित्र शत्रु है मोह, किसको आज मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि महाराज कुछ ही क्षणों में हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाले हैं। महाराज धृतराष्ट्र की जय! 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 तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है कुंती? मेरे तो दोनों ही पुत्र हैं दीदी। इस शुभ अवसर पर ऐसे ही कोई अपराध क्या होगा दीदी? क्या बात है विदुर? चार बंदी लाए गए हैं महाराज। अपराध? महाराज को इनका अपराध बताया जाए। महाराज की जय हो। इन चार बंदियों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है महाराज। अपराधी क्या कहते हैं? अपराधी अपना अपराध स्वीकार करते हैं महाराज। तब तो फिर क्षमा चाहता हूं महाराज। तुम कुछ कहना चाहते हो विदुर? यदि आप आज्ञा दें तो। आज्ञा है। आज तो महाराज दोनों ज्येष्ठ राजकुमारों में से किसी एक को युवराज नियुक्त करने जा ही रहे हैं, तो आज इन्हीं को न्याय करने का अवसर प्रदान किया जाए महाराज, कि पूरा जनसमुदाय राजकुमारों की योग्यता भी देख ले। ताश्री, मैं विदुर से सहमत हूं महाराज, परंतु गंधार कुमार का विचार जान लेना भी उचित होगा। क्षमा चाहता हूं तात्री, परंतु यह हस्तिनापुर की समस्या है और यह कुरु राज्यसभा है। गंधार कुमार शकुनी भी हस्तिनापुर ही की हो चुके हैं विदुर। मैं फिर क्षमा चाहता हूं तात्री, परंतु हो जाने में और होने में बहुत अंतर है।
मैं तो हस्तिनापुर का हूं ना काकाश्री, तो फिर न्याय करने का पहला अवसर मुझे दिया जाए, क्योंकि मैं महाराज का ज्येष्ठ पुत्र हूं। इस नाते से तो नहीं, परंतु तुम युधिष्ठिर के अनुज हो, इसलिए पहला अवसर तुम्हें ही मिलना चाहिए। राजकुमार दुर्योधन को न्याय करने का आदेश दिया जाता है। पिताश्री हस्तिनापुर नरेश की जय। कुंती, दीदी, तुम्हारे विचार से इन चारों बंदियों को क्या दंड मिलना चाहिए? इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है महाराज, शताब्दियों से हमारे यहां परंपरा चली आ रही है कि हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है, इसलिए मैं इन चारों अपराधियों को इनके अपराध के लिए मृत्यु दंड देता हूं। जीते रहो भांजे। राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की। तो विदुर, आदेश दिया जाता है कि इन चारों अपराधियों को क्षमा चाहता हूं माता। अब क्या हुआ? आपने ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को न्याय करने का अवसर प्रदान नहीं किया महाराज। परंतु न्याय तो हो चुका है विदुर। फिर भी महाराज, न्याय करने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। क्या पता राजकुमार युधिष्ठिर राजकुमार दुर्योधन के न्याय से सहमत हो न हो। इसमें सहमत या असहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। यदि राजकुमार युधिष्ठिर सहमत न हो तो वो स्वयं ऐसा कहेंगे महाराज। तो यही सही, वत्स युधिष्ठिर को आज्ञा दी जाती है कि अब वो न्याय करें। ज्येष्ठ पिताश्री हस्तिनापुर नरेश की जय हो। क्या तुम अपने अनुज दुर्योधन के न्याय से संतुष्ट हो वत्स? सब कुछ जाने बिना मैं महाराज को इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इसमें जानना क्या है वत्स? दंड देने से पहले मैं अपराधियों का वर्ण और जाति जानना चाहता हूं। न्याय का जातियों से क्या लेने देना? यदि ये आवश्यक ना होता तो मैं ये प्रश्न ही ना उठाता। अपराधी अपनी अपनी जाति बताएं। मैं शूद्र हूं महाराज। मैं वैश्य हूं महाराज। मैं क्षत्रिय हूं महाराज। महाराज मैं ब्राह्मण हूं। न्याय के नियमों के अनुसार शूद्र अपराधी को 4 वर्ष कारागृह में बिताने का दंड दिया जाता है, वैश्य को 8 वर्ष कारागृह में बिताने का दंड दिया जाता है और क्षत्रिय को 16 वर्ष। परंतु ब्राह्मण अपराधी को मृत्यु दंड दिया नहीं जा सकता, इसलिए कुल गुरु कृपाचार्य ही इसके दंड का निर्णय करें। अति सुंदर, क्या न्याय है, अपराध 1 और दंड 4। अपराध 1 नहीं है मामा श्री, शूद्र का अपराध एक अज्ञानी का अपराध है, इसलिए केवल 4 वर्ष। परंतु वैश्य अपराधी उतना अज्ञानी नहीं है, इसलिए उसका दंड दूना होगा। और क्षत्रिय जो समाज का रक्षक है, यदि वही हत्या का अपराधी हो तो उसका दंड वैश्य की अपेक्षा दूना होगा। ब्राह्मण तो ज्ञानी है, उसने जानते बूझते एक मनुष्य की हत्या की है, उसका अपराध सबसे भयंकर है। मैं अपने अपराध के लिए स्वेच्छा अग्नि प्रवेश का आदेश चाहता हूं महाराज। इसका निर्णय तो कुलगुरु कृपाचार्य ही ले सकते हैं। किंतु तुम्हारे न्याय की तुला में असमानता है वत्स। सबको एक ही तुला में तोलना न्याय नहीं अन्याय है मामा श्री। युवराज युधिष्ठिर की जय। 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 न्याय तो हो चुका है, अब मैं महाराज से यह प्रार्थना करता हूं कि वो ये घोषित कर दें कि वो युवराज किससे नियुक्त करना चाहते हैं। मैं ताश्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वह शंख बजाकर
ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा कर दें। विजया हुई फिर न्याय की, हटा मोह का पाश, सत्यमेव जयते बना, अंतिम सत्य प्रकाश, अंतिम सत्य प्रकाश। आओ वत्स, आओ, आओ। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। श्री कृष्ण द्वारिका में हैं और हस्तिनापुर में शकुनि, कर्ण, दुर्योधन और धृतराष्ट्र राजनीति की रणभूमि में लगने वाले घावों को चाट रहे हैं, क्योंकि उनके न चाहते हुए भी युधिष्ठिर युवराज घोषित किए जा चुके हैं और भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव विजय यात्रा पर जा चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक शकुनि के घाव भर नहीं जाते, तब तक हस्तिनापुर में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यही अवसर है कि हम हस्तिनापुर और द्वारिका से निकलकर कहीं और चलें। जाने के तीन रास्ते हैं। एक मार्ग तो चेदी देश की ओर जाता है, जहां इस महाकथा का एक महत्वपूर्ण पात्र शिशुपाल है, और दूसरा मार्ग विदर्भ की तरफ जाता है, जहां रुक्मिणी सोनजूही की भांति खिली हुई और उसके व्यक्तित्व की भीनी सुगंध सारे भारतवर्ष में फैल रही है। और तीसरा मार्ग मगध की ओर जाता है, जहां जरासंध आज भी बदले की आग में जल रहा है, क्योंकि वो कंस वध पर यदुवंशियों को क्षमा करने पर तैयार नहीं है। पर अब द्वारिका से अकेले टकरा लेना जरासंध के वश की बात नहीं है, तो वो ये चाहने लगा है कि वो चेदिराज दमघोष से साठ गांठ कर ले कि उसके चार महावीर पुत्रों को द्वारिका के विरुद्ध अपनी लड़ाई में इस्तेमाल कर सके। चेदिराज दमघोष वसुदेव की एक बहन श्रुतश्रुवा से ब्याह हुआ है और इस नाते शिशुपाल वासुदेव कृष्ण का फुफेरा भाई है और हस्तिनापुर के पांडवों का वो मौसेरा भाई है। देखा आपने, कहानी उसी एक परिवार में घूम रही है। तो हस्तिनापुर में शकुनि और मगध में जरासंध, ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने सामने राजनीति की चौपड़ बिछाए बैठे हैं। शकुनि का पांसा है दुर्योधन और जरासंध का पांसा है शिशुपाल। जरासंध सोचता है कि यदि विदर्भ राजपुत्री रुक्मिणी से शिशुपाल का विवाह हो जाए, तो यदुवंशियों की बाजी मात करने के लिए रुक्मी जैसा महावीर भी उसके हाथ में एक पांसे की तरह आ जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि ठीक यही रहेगा अगर हम जरासंध के साथ विदर्भ की ओर चलें, जहां वो अपना पहला पांसा फेंकने वाला है।
महाराज की जय हो। महाराज हम विदर्भ राज की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की जय। 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 महाराज की जय हो। कोई समाचार सैनिक? अभी अभी समाचार मिला है कि मगध नरेश इधर ही की ओर पधार रहे हैं। पुत्र रुक्मी, तुम दो कोस आगे जाकर मेरे परम मित्र मगध नरेश जरासंध का हमारी ओर से स्वागत करो। यदि आपकी ओर से स्वागत करूं तो अपनी ओर से क्या करूं पिताश्री? उन्हें पिता समान मानकर प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। मगध नरेश न केवल मेरे मित्र हैं बल्कि उत्तर भारत वर्ष के सबसे अधिक प्रतापी और अधिक शक्तिशाली सम्राट हैं। यूं भी वे आदरणीय हैं, उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा पिताश्री। महामंत्री, पहले तो कभी मगध नरेश सूचना दिए बिना नहीं आए, यूं आने का रहस्य क्या हो सकता है? कोई विशेष ही कारण हो सकता है महाराज, ये तो उनके पधारते स्वयं ही पता लग जाएगा। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए? विदर्भ युवराज परमवीर रुक्मी आपके स्वागत के लिए आ रहे हैं। एकलव्य। जी महाराज। तुम जाकर हमारी ओर से युवराज रुक्मी का स्वागत करो। जो आज्ञा। तुम्हारी आंखों में बैठी हुई कड़वाहट से मुझे लगता है कि आचार्य द्रोण ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो कैसे युवराज? गुरु होने के नाते गुरु दक्षिणा मांगने का उन्हें अधिकार था और यह दक्षिणा देना मेरा कर्तव्य था। मेरा कटा हुआ अंगूठा मेरे गुरु का दिया वो वरदान है जो मानव जाति को विवश कर देगा कि गुरुदेव और अर्जुन के साथ मेरा नाम भी याद रखा जाए। उन दोनों के साथ मैं भी अमर हो गया युवराज। जब कभी भी इस जगत में गुरु के प्रति शिष्य की निष्ठा की बात निकलेगी, अर्जुन से पहले एकलव्य का नाम लिया जाएगा। जो तुम कह रहे हो वो भी सत्य है मित्र, परंतु अन्याय तो अन्याय होता है। अब चलें, महाराज को अधिक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। आओ। Thank you.
अरे अरे ये क्या वत्स? जब पिताश्री ने आपके स्वागत का आदेश दिया था तो मैंने पूछा था कि अपनी ओर से मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा था कि आप पिता समान हैं, आपको प्रणाम करूं और आपका आशीर्वाद लूं, बस वही कर रहा था। आयुष्मान भव, आप मेरे रथ पर आइए। जो आज्ञा महाराज। आइए। सारथी रथ चलाओ। आशा है तुम्हारे पिताश्री स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा है। आजकल वे रुक्मिणी के स्वयंवर के विषय में सोचते रहते हैं। अच्छा, तब तो मैं ठीक समय पर ही आया। वो कैसे महाराज? वास्तव में मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। तुम्हारे पिताश्री मेरे गहरे मित्र हैं, इस नाते रुक्मिणी मेरी भी पुत्री हुई, उसके लग्न के विषय में मैंने भी कुछ सोच रखा है। मगध नरेश यहाँ क्यों आए हैं? मैं क्या जानूं? वो पिताश्री के मित्र हैं। उनसे मिलने या किसी समस्या पर उनके विचार जानने आ गए होंगे। जी नहीं। अरे बता भी क्यों नहीं, यही खोट है राजकुमार जी। इसमें हर बात को कौन की भांति जवाती है। ये तो ऐसे बताने वाली बात नहीं है, सोने के कंगन पहन के बताने वाली बात है। तो घर जा और पहन के आ। घर क्यों जाऊं? मैं सोने के कंगन राजकुमारी जी से ही लूंगी। कुछ पूछने के लिए मैं कंगन कभी ना दूंगी, परंतु प्रसन्न होगी तब तक होगी ना। बता भी दे, बात को इतना मत कीजिए कि टूट ही जाए। मगध नरेश राजकुमारी जी के स्वयंवर का शुभोट निकलवाने आए हैं। क्या कहा तुमने? जी हाँ राजकुमारी जी, चेदी देश के युवराज शिशुपाल के साथ। शिशुपाल? वासुदेव के शत्रु शिशुपाल? चेदी नरेश यदि आपके मित्र हैं प्रिय मित्र, तो इस नाते वो मेरे भी प्रिय मित्र हुए। और चेदी युवराज शिशुपाल के कसबल की कथाओं से तो सारा भारतवर्ष गूंज रहा है। तो फिर मैं ये समझूं कि रुक्मिणी के लिए शिशुपाल के प्रस्ताव को आपने स्वीकार कर लिया है। पिताश्री प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, ये मेरा दूसरा पुत्र रुक्मिण है। मगध नरेश को प्रणाम करो पुत्र। आयुष्मान भव। बैठो पुत्र, तुम ठीक समय से आए हो। हम रुक्मिणी स्वयंवर के विषय में ही वार्तालाप कर रहे थे। इस विषय में मेरा भी कुछ निवेदन है पिताश्री। कहो पुत्र। रुक्मिणी हमारी इकलौती बहन है, और पांचाली के अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में और किसी भी राजकन्या के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती, ना ही संस्कार में, ना ही तेज में और ना ही सौंदर्य में। इसलिए उसका वर ऐसा होना चाहिए जो कि नरों में भी नारायण लगे। ऐसा कौन है पुत्र? वासुदेव कृष्ण पिताश्री। असंभव। क्यों भ्राताश्री? पहला कारण यह है कि तुमने उसका मगध नरेश के सामने नाम लेकर मगध नरेश का अपमान किया है। मगध नरेश हमारे पिताश्री के अतिथि हैं, और उनका अपमान पिताश्री का अपमान है। और दूसरा कारण यह है कि रुक्मिणी राजकन्या है और उसका विवाह राजवंश में ही हो सकता है। और तीसरा कारण यह है कि कौन जाने वो वसुदेव का पुत्र है या स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद का। क्या पता वो देवकी का पुत्र है या यशोदा नंदन, जिसके वंश वृक्ष की जड़ों का ज्ञान ना हो। हम उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते। परंतु भ्राताश्री, तुमने सुना नहीं? हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस ग्वाले के साथ नहीं कर सकते। और चेदी नरेश का विदर्भ से ये संबंध राजनैतिक दृष्टि से भी लाभदायक सिद्ध होगा। यदि भुजाओं में बल हो मगध नरेश, तो शूरवीर नातों को राजनीति का आधार नहीं बनाता। कंदमादन पर्वत के ऋषि द्रुम का कोई शिष्य अथवा परशुराम जी से ब्रह्म शास्त्र विद्या प्राप्त करने वाला कोई महायोद्धा ही ये बात कह सकता वत्स रुक्मिणी। परंतु जीवन केवल भुजाओं के बल पर ही नहीं है, भुजाओं से आगे भी बहुत दूर तक है और पीछे भी बहुत दूर तक है।
अतीत में देखो, लंकापति रावण यही भूल कर चुके हैं। उनकी भुजाओं में भी बड़ा बल था युवराज रुक्मी। अरे मित्र, ये वाद विवाद क्यों? रुक्मी और शिशुपाल के एक हो जाने के पश्चात भारतवर्ष के किसी राज्य की शक्ति ना तो चेदी देश की सीमा की ओर देखने का साहस कर पाएगी और न विदर्भ की सीमा की ओर। मैं आपके इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप हमारी ओर से युवराज शिशुपाल को आमंत्रण दीजिए मित्र। आपका आदेश सिर आंखों पे पिताश्री। शिशुपाल जैसे महायोद्धा का संबंधी होना हमारे लिए गौरव की बात है, परंतु मगध नरेश के तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा मैं तर्कशास्त्री हूँ, परंतु जीवन की पाठशाला में जो सीखा है वो बता दिया। हम और तुम्हारे पिताश्री वर्तमान हैं, तो आज परिभाषाएं हमारी हैं। तुम भविष्य हो, इसलिए वर्तमान बनने की प्रतीक्षा करो। परंतु यदि शिशुपाल से ये संबंध स्वीकार नहीं है तो जिस संबंध का आपने प्रस्ताव दिया हो और पिताश्री ने भी स्वीकार कर लिया हो, वो भला मुझे व मेरे अनुज को कैसे अस्वीकार हो सकता है? यह तो और भी अच्छा है, युवराज शिशुपाल से मेरा परिचय रणभूमि की जगह यहाँ इसी घर में हो। आप उन्हें अवश्य आमंत्रित कीजिए। महाराज की जय हो। एकलव्य, ये पत्र तुम्हारे ऊपर मेरे संपूर्ण विश्वास का प्रतिबिंब है। ये पत्र अब एकलव्य के प्राणों का प्रतिबिंब बन गया महाराज। यदि आपको ये सूचना मिले कि ये पत्र गया, तो समझ लीजिए इसके साथ एकलव्य के प्राण भी चले गए। उत्तर लाने पर मुंह मांगा पारितोषिक पाओगे। वीर पुरुष पारितोषक के लालच में सेवा नहीं करते महाराज। और वैसे भी अर्जुन से युद्ध के सिवाय मेरी और कोई कामना नहीं। अर्थात तूने अभी तक आचार्य द्रोण को क्षमा नहीं किया? उनकी ओर से तो मेरे मन में मैल रहा ही नहीं। गुरु के नाते दक्षिणा मांगने का उन्हें अधिकार था, सो उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। ये दक्षिणा देना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। परंतु जब भी इस कटे अंगूठे को देखता हूं तो सोचता हूं, यदि ये अंगूठा होता तो मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होता। कुंती पुत्र अर्जुन मेरा स्थान ग्रहण किए हुए बैठा है, परंतु महाराज मैंने इस अंगूठे के बिना भी बाण चलाना सीख लिया है। इसलिए चाहता हूं कि अर्जुन से सामना हो जाए, ताकि उसे युद्ध में पराजित करके अपने गुरु से वो आशीर्वाद मांगू जो आज तक मुझे नहीं मिला। मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरु के ऊपर आशीर्वाद का ऋण रह जाए। तुम धन्य हो वत्स एकलव्य, धन्य हो। और हां, ये पत्र लेकर चेदी देश की ओर प्रस्थान करो, और ये पत्र युवराज शिशुपाल के अतिरिक्त किसी के हाथ में ना आए। जो आज्ञा महाराज। युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। क्या किसी शत्रु ने हम पर आक्रमण कर दिया? युवराज के होते हुए ये साहस कौन कर सकता है? तो फिर तुमने हमारी विश्राम की सीमाओं का उल्लंघन क्यों किया? मगध के राजदूत मगध नरेश का पत्र लाए हैं और आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। मगध नरेश के दूत? परंतु वो तो विदर्भ गए, तो फिर ये दूत बनकर कौन आया है? एकलव्य आया है युवराज। एकलव्य? अच्छा, जाओ उसे आदर सहित लेकर आओ। जो आगे युवराज।
युवराज ने आपको आदर सहित भीतर बुलाया है। प्रणाम युवराज। आओ वनराज पुत्र, बैठो। धन्यवाद युवराज। महाराज का आदेश है, आपको यह पत्र देने के बाद ही विश्राम करो। आशा है मगध नरेश पूर्ण स्वस्थ होंगे और तुम्हें भी यात्रा में कोई विशेष कष्ट ना हुआ होगा। जिस समय मैं अपने महाराज के पास से चला था, वो किसी बात पे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और उनकी आनंद की छाया में मेरी यात्रा भी सरल हो गई। तो क्या वहां रुक्मिणी स्वयंवर की तैयारी आरंभ हो चुकी है? जी युवराज, आजकल विदर्भ में रुक्मिणी स्वयंवर पर वाद विवाद की ऋतु सी आई हुई है। सारे भारतवर्ष के वीरों और महावीरों को आमंत्रित किया जा रहा है। द्वारिका वालों को तो आमंत्रित नहीं किया जा रहा है ना? ये तो मैं नहीं जानता युवराज, परंतु इस स्वयंवर में राजाओं और राजकुमारों को ही आमंत्रित किया जा रहा है और द्वारिका इस अर्थ में राज्य है ही नहीं, तो फिर उन्हें आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि उन्हें आमंत्रित किया जाता और वासुदेव के सामने रुक्मणी मेरे गले में वरमाला डालती तो मेरा आनंद दूना हो जाता। तुम जाकर विश्राम करो और इस पत्र का उत्तर भी तुम ही लेकर जाओगे। जो आज्ञा युवराज। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो प्रिय बहन। मैं तो सदैव आपकी बात ध्यान से ही सुनती हूँ प्रताश्री। और जो कहने जा रहा हूँ पिताश्री भी वही चाहते हैं। किंतु इतनी लंबी भूमिका का कारण प्रताश्री? प्रस्ताव ही ऐसा है। क्या प्रस्ताव है? तुम्हारे एक अधिकार को थोड़ा सा सीमित करने का प्रस्ताव है। और वो अधिकार कौन सा है प्रताश्री? पिताश्री यह चाहते हैं कि तुम्हारी वरमाला चेरी देश के युवराज शिशुपाल के गले में पड़े। यदि मैं उनके गले को अपनी वरमाला के योग्य न पाऊं तब प्रताश्री? तब भी यदि मैंने पहले ही से अपनी वरमाला के लिए किसी और को मनोनीत कर रखा हो तब प्रताश्री? तो क्या तुम? प्रश्न तो प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता प्रताश्री। यदि ऐसा है तब भी पिताश्री यही चाहेंगे कि तुम्हारी वरमाला शिशुपाल के गले में ही पड़े। बीने
वाच रहे हरि पत्रिका, सुनते प्रेम पुकार, अक्षर अक्षर देखते खुला प्रेम का